अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाकिफ़ से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो नाइन साइंस मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना वो चैप्टर नंबर वन की रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करना सीखेंगे कि उनमें हम लोग उसके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसका तरीक़ाकार होता है। वीडियो को शुरू से लेके तो एंड तक लाजमी तौर पर देखिए ताकि आपको हर सवाल की समझ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ सके। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर वन की, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर वन। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर आपके पास थ्री है। कहता है कि अगर इफ़ ए प्लस थ्री फोर सिक्स बी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री फोर सिक्स टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर हमने क्या करना है जी, ए और बी की कीमत जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस थ्री फोर सिक्स बी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री फोर सिक्स एंड टू के। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको आसान से आसान मेथड समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, दो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ दी गई होती है और उनमें हमने किसी एक या दो वेरिएबल या तीन या चार वेरिएबल्स की कीमत मालूम करनी होती है तो उसको क्या तरीक़ाकार होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग कि क्या करते हैं हम लोग, पहला नंबर हमारे पास पहले नंबर के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर, यानी a प्लस थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री के, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। ठीक है, फोर प्लस इज इक्वल टू फोर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दो का नाम दे देते हैं। सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते हैं। और b माइनस वन इज इक्वल टू टू, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन है उसकी वैल्यू हमारे पास है a प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, दूसरी के ऊपर गौर करें फोर इज इक्वल टू फोर, तीसरी के ऊपर गौर करें तो सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, एंड फोर्थ पे अगर गौर करें तो b माइनस वन इज इक्वल टू टू। हमने जो कीमत मालूम करनी है वो हमने दो मालूम करनी है, a और b की। अब आपने ये मालूम करना है कि a और b किस किस इक्वेशन के अंदर है, एक तो पहली के अंदर और एक चौथी के अंदर है, दूसरी और तीसरी को आप लोग हल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जो हमने वेरिएबल मालूम करना है वो हमने मालूम करना है ए और बी, जो कहाँ पर मौजूद है, एक तो वन के अंदर और एक फोर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सॉल्व वन, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्व इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, वो क्या आपके पास ए जमा थ्री इज इक्वल टू माइनस के थ्री के, अब ये थ्री इधर प्लस हो रहा है, इधर आपके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का थ्री कितना हो जाएगा माइनस का सिक्स, तो ए बराबर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस थ्री के। ठीक है, अब उसके बाद हमने बी की मालूम करनी है सॉल्व, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, वो क्या है बी माइनस वन इज इक्वल टू टू के, वन इधर माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री के, बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहाँ पर थ्री के। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ गया। ये अक्सर जो है ना पेपर के अंदर आपको सवाल आया होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना आगे हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर वो कहता है कि अगर ए आपके पास बराबर हो टू थ्री वन ज़ीरो के और बी आपके पास बराबर हो फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन के, देन
फाइंड द फॉलोइंग, तो नीचे दिए गए जो आपको मैट्रिक्स हैं या जो भी उन्होंने टर्म्स दी हैं वो आपने क्या करना है जी, मालूम करना है, ठीक है। पहले टर्म उन्होंने दिया जी 2a + 3b, ठीक है। अब अगर हम इसको हल करते हैं इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है जी, 2a मालूम करना है। अब a की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 1, 0, हम मालूम करते हैं 2a, तो क्या करेंगे जी, हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 1 के साथ भी एंड 4 के साथ भी। 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 3 द 6, 2 1 द 2 और 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a। अब हमने दूसरी जो वैल्यू मालूम करनी है वो मालूम करनी है 3b की, तो हम लोग क्या करेंगे जी, b वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 -4 -2 - 1, ठीक है। हमने मालूम करना है 3b, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हर नंबर को जो है वो क्या करेंगे जी, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 5, 3 × -4, 3 × -2 और 3 × -1, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा -6, और 3 को 1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब हमने जो ओवरऑल मालूम करनी है स्टूडेंट्स, वो हमने मालूम करनी है, यहाँ पर जो वैल्यू हमने मालूम करनी है वो हमने मालूम करनी है 2a + 3b, ये हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a की वैल्यू, पहले 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 4, 6, 2, 0, और 3b की जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आई है वो क्या आई है, 15 - 12 - 6 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इनको करना है जमा, तो अब इनको हम कर लेते हैं जमा, 4, 6, 2, 0 - 15 - 12 - 6 और -3, ठीक है। इनको हम लोग कर लेते हैं जमा। जमा कैसे करेंगे, पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा जमा कर देंगे, यानी 4 + 15 - 6 - -, तो -12 आ जाएगा, 2 - - तो -6, 0 - - तो -3 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 15 हमारे पास आ जाएगा 19 के, -12 में से 6 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, 6 में से -2 निकालेंगे तो -4, 3 में से 0 निकालेंगे तो -3, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया जी, उसकी जो पहली टर्म थी वो हमने मालूम कर ली, ठीक है। अब हम लोग जो है ना आगे क्या करते हैं जी, आगे इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसको जो है ना मालूम करते हैं, उसको हल करते हैं, ठीक है। कीमत हमें उसने ऊपर ए बी की दी हुई है, ठीक है, वो हम लोग मालूम करते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है जी, हमने मालूम करना है -3a + 2b। अब हमने मालूम करना है ये वाली वैल्यू, तो क्या करेंगे जी, हम लोग जो ए वाला मैट्रिक्स है वो हमारे पास बराबर है 2, 3, 1, 0 के, हमने मालूम करना है 3a, तो हम लोग क्या करेंगे जी, हर नंबर को -3 के साथ जो है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -3 × 1 -3 × 0, ठीक है। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -3 को -9 आ जाएगा, -3 को 1 के साथ करेंगे तो -3 और -3 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास -3 वैसे का वैसे एज इट एज आता जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है 2b, ठीक है, तो b का जो मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है वो है जी 5 - 4 - 2 और -1, हमने मालूम करना है 2b, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 2 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, 2 × -4, 2 × -2 और 2 × -1, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 2b। अब हमने जो ओवरऑल मालूम करना है वो हमने मालूम करना है जी 3a + 2b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3a की पहले कीमत लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -6, 9 और -3, 0, और आगे 2b की वैल्यू लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर
तो 2b की वैल्यू कितनी आई है, 10 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस का 2। हमने करना है इनको जमा, तो दरमियान में इनके जो है ना वो क्या कर देंगे जी, जमा का जो निशान है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं हम हल। माइनस 6 प्लस 10 9 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 और 0 माइनस 2। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स आगे, प्लस माइनस माइनस 10 में से हम अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो प्लस का 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 2 में से 0 निकालेंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो किसका आंसर आ जाएगा जी, माइनस 3a प्लस 2b के। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 आ गया। अब हम लोग जो है ना आगे इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको हल करते हैं और उसमें देखते हैं वो हमसे क्या जो है ना वो हल करने के लिए कह रहा है और उसको कैसे किस तरह से जो है ना हम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लीजिए पार्ट नंबर 3 आपके पास है बेटे, उसमें आपने मालूम करना है जी माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग जो है ना वो 2b मालूम करेंगे। क्या करेंगे जी, 2b। जब आपका 2b आंसर आ जाएगा फिर आप उसको a के साथ प्लस करेंगे, जब a का भी आंसर आ जाएगा प्लस करने के बाद तो फिर आप लोग जो है ना उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 के साथ। ठीक है, तो देखें जी b वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो हमारे पास है जी, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं जी, b वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, हमने मालूम करना है 2b, तो हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को माइनस 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 को माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 2b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, जो ओवरऑल मालूम करना है वो हमने मालूम करना है a प्लस 2b। अब a वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो किसके बराबर है, 2 3 1 0 और 2b की जो कीमत हमारे पास आई है वो क्या आई है जी, 10 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस का 2। ठीक है, अब हम लोग इनको कर लेते हैं जी, प्लस 2 3 1 0 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 4 माइनस का 2, इनको हम लोग कर लेते हैं जी प्लस, 2 प्लस 10 3 प्लस माइनस 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 का 8 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 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 का 4 और प्लस माइनस माइनस तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, प्लस माइनस 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 के 8 में से हम लोग जब 3 निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 3 और माइनस 2 में से 0 निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, a प्लस 2b। ठीक है, एट दी एंड जो हमने ओवरऑल मालूम करना था वो क्या मालूम करना था, माइनस 3 इंटू a प्लस 2b, ये हमने जो है ना ओवरऑल मालूम करना है, यानी जो हमारे पास a प्लस 2b का आंसर आया है उसमें हमने क्या करना है, उसको माइनस a के साथ जो है ना माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो a प्लस 2b का आंसर आया है वो क्या आंसर आया जी, 12 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 2। हमने मालूम करना है माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर नंबर को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। माइनस 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 36। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 5 द 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 2 द 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पार्ट नंबर जो 3 है उसका जो है वो क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यानी इसका दूसरा पार्ट भी एक्सरसाइज का, उसके मैंने 3 पार्ट समझाए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। फिर भी उसके बावजूद अगर आपको कोई मसला होता है तो देन वो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग जो है ना आगे इसका पार्ट नंबर फोर जो आखिरी पार्ट इसका है उसको हल करते हैं और उसमें देखते हैं वो हमसे क्या जो है ना रिक्वायर कर रहा है और उसको हम लोग किस तरह से जो है ना वो हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखें मैथ जो है ना वो याद नहीं किया जा सकता। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं ना कि सिर्फ मैथ याद किया जा सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए टीचर इतने इतने ज़्यादा बड़े बड़े सवाल करवा देता है, कभी आपने सोचा कि टीचर इतने बड़े सवाल कैसे करवा देता है? कभी सोचा आपने? नहीं, कभी नहीं सोचा। क्योंकि देखें टीचर के लिए ये सब कुछ आसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही होता है क्योंकि टीचर ने सवालों को रटा नहीं लगाया होता, याद नहीं किया होता, बल्कि उनकी प्रैक्टिस की होती है। ठीक है, शायद आप एक ज़ुबान से वाकिफ हों, शॉर्ट हैंड। ठीक है, वो शॉर्ट हैंड भी दरअसल एक ऐसी ही ज़ुबान है, उसके साइंस होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग याद नहीं करते बल्कि उनकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम मेथड जो है ना वो मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, कि मैथमेटिक्स जो है ना वो प्रैक्टिस का नाम है। मेक श्योर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, टिल एंड यू सक्सीड। आप तब तक बार बार कोशिश करते रहें जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप लोग समझ के करेंगे तो फिर आपके लिए हर सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ना आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर जो थ्री है उसको इंशाल्लाह जो है ना वो हल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, कि वो कहता है कि अगर ए वाला मैट्रिक्स आपके पास बराबर हो 2 3 1 0 एंड बी इज़ इक्वल टू आपके पास बराबर हो 5 -4 -2 और -1, तो देन तीसरी कीमत जो यानी तीसरा जो पार्ट आपके पास है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -3 a + 2b, ये आपने जो है ना वो मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्या करना है बेटे, कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास कौन सी कीमत है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a + 2b। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 2b की कीमत जो है ना वो मालूम करेंगे। अब b आपके पास बराबर है 5 -4 -2 -1। ठीक है, हमने मालूम करना है 2b, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2 के साथ तमाम एलिमेंट्स को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 5, 2 × -4, 2 × -2 और 2 × -1। ठीक है, अब ये 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ 2b। अब हमने क्या मालूम करनी, जो ओवरऑल कीमत मालूम करनी, हमने मालूम करनी है a + 2b, ये हमने मालूम करनी है। तो पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर ए वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो क्या हमारे पास 2 3 1 0, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2b की कीमत लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 -8 -4 और -2। ठीक है, हमने इनको करना है जमा, तो इन दोनों के दरमियान जो है ना वो जमा का निशान, जमा का जो साइन है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, जमा की जो अलामत है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग इनको कर लेते हैं जी आगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले नंबर में पहला नंबर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा नंबर, चौथे में चौथा नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे, यानी 2 + 10 3, ये प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा तो -8, 1 ये प्लस माइनस, माइनस तो -4, ये 0 और ये 0 - 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 + 10 = 12, यहाँ पर 12 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, -8 में से अगर हम लोग प्लस का 3 निकाल देते हैं तो -5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -4 में से 1 निकाल दे तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -2 में से अगर हम लोग 0 माइनस कर दें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ओवरऑल जिसकी कीमत आ गई वो हमारे पास आई है a + 2b की। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है जी 3 × a + 2b। ठीक है, ये हमने ओवरऑल जो एट द एंड यानी एंड वाले स्टेज के ऊपर जाके हमने जो सवाल मालूम करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या कहता है, -3 × a + 2b हमने जो है ना वो मालूम करना है। ठीक है, यानी जो हमारे पास a + 2b का आंसर आया उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -3 के साथ। ठीक है, यानी -3 × 12
माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री और माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस का टू। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब 12 थ्री था स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 36, तो माइनस का आ जाएगा बिकॉज के प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 दा 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 दा 6 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा आंसर किस चीज़ का, जो आपने ओवरऑल कीमत मालूम करनी थी ये वाली कीमत, उसका आंसर जो है वो आपके पास ये वाली कीमत आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट नंबर जो 3 है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना आगे हल करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 के क्या कहता है वो आपने क्या मालूम करना है, 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। ठीक है, 3 से 4 सवाल करने के बाद या पूरा चैप्टर करने के बाद जिसके अंदर हमने अनिशा सेज के ऊपर ये चीज़ें सारी डिस्कस भी की थी और अभी हम लोग बार बार जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना हमने इसको हल करना है, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या इसका तरीकाकार होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सब कुछ जो है ना वो वन बाय वन यहाँ पर टैली कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो है ना वो 2a की कीमत मालूम करेंगे, फिर आप लोग मालूम करेंगे 3b की कीमत, फिर आप लोग क्या करेंगे 2a में से 3b माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं, स्लो सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a वाली कीमत लिख लेते हैं, ए वाला मैट्रिक्स, वो क्या आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 2, 3, 1, 0 हमने मालूम करना है 2a, तो हम लोग क्या करेंगे 2 के साथ ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब ये 2 2 दा 4 हो जाएगा और 2 3 दा 6 हो जाएगा, 2 1 दा 2 हो जाएगा और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2a की कीमत। अब हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3b की कीमत, तो b वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो कौन से स्टूडेंट्स 5, -4, -2 और -1। ठीक है, हमने मालूम करना है 3b, तो हम लोग क्या करेंगे b वाले मैट्रिक्स को 3 के साथ जो है वो क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इस 3 को आप पहले लिख लें बाद में लिखें, यानी 5 पहले लिख लें 3 बाद में लिख लें, 3 पहले लिख लें 5 बाद में लिख लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आपकी अपनी विल है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, उसमें कोई फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा जी, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 15, 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, 3 को -2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा और 3 को -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 3b की कीमत। अब हमने जो मालूम करनी है कीमत, वो हमने मालूम करनी है 2a माइनस 3b की कीमत जो है ना हमने मालूम करनी है। अब 2a की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आई है जी, 4, 6, 2, 0। ठीक है, और 3b की जो कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आई है वो आई है 15, -12, -6 और -3। ठीक है, हमने इनको करना है माइनस। ठीक है, 4, 6, 2, 0, -15, -12, -6 और -3। ठीक है, हमने इनको कर दिया माइनस, तो अब हम लोग आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, 4 ये हो जाएगा -15। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 + 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 0 + 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, लेकिन चूंकि 15 और 4 में से जो बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 15, इसलिए जो अलामत उसके साथ होगी वही अलामत हम नीचे लिख देंगे। अब 15 के साथ माइनस की अलामत है तो देन हम लोग इसके नीचे माइनस लिख देंगे। 6 + 12 हमारे पास हो जाएगा 18, 2 + 6 = 8 और 0 + 3 = 3। ठीक है, ये हमारे पास कीमत आ गई स्टूडेंट्स इस चीज़ की। ठीक है, अब हमने जो मालूम करनी है कीमत, अब हमने जो आगे कंटिन्यू करना है, अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करनी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 / 3 हमने जो लास्ट पर जाके मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखें जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू 2a माइनस
थ्री बी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने मालूम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, टू ए माइनस थ्री बी की जो है ना वो कीमत यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो क्या मेरे पास है, माइनस इलेवन, एटीन, एट और थ्री, ठीक है। और मैंने मालूम करना है टू इंटू टू ए माइनस थ्री बी, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ टू के साथ मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस इलेवन, टू मल्टीप्लाई बाय एटीन, टू मल्टीप्लाई बाय एट और टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, टू को माइनस इलेवन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी टू, टू को एटीन के साथ करूँगा तो थर्टी सिक्स, टू को एट के साथ करूँगा तो सिक्सटीन, और टू को सिक्स के साथ, थ्री के साथ करूँगा तो सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कीमत आ गई टू इंटू टू ए माइनस थ्री बी की कीमत, ठीक है। अब एट द एंड हमने क्या करना है, इसको थ्री के ऊपर है डिवाइड भी कर देना, क्या कर देना स्टूडेंट, थ्री के ऊपर डिवाइड भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। अब हमने मालूम करना है टू ओवर थ्री इंटू टू ए माइनस थ्री बी जो है ना, हमने अब ये मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं, यानी अब ये जो हमारे पास कीमत आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, थ्री के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। यानी माइनस ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई थ्री, थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थ्री और सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। ये हमने उसको डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, बराबर में वही कीमत आती जाएगी। अब ये नहीं करता तो ये माइनस ट्वेंटी टू ओवर थ्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये थ्री वन दा थ्री, थ्री वन दा थ्री और थ्री टू दा सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वेल्व। ये जो है ना नहीं करता तो ये सिक्सटीन ओवर थ्री जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये थ्री वन दा थ्री और थ्री टू दा सिक्स हो जाएगा, तो ये वाली कीमत कट गई, तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर जो है ना वो फोर था, जो मैंने अभी आपके सामने हल किया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो टोटली समझ आ रही होगी, इसमें कोई मसला नहीं हो रहा होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो आप लोग स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जो है ना वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस को, और साथ जो बाकी में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो जो हमारी जो तंजीम है, हमारी जो कंपनी वो अपलोड कर रही है ऑनलाइन टीचर डॉट कॉम, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतरी की तरफ आ रहा है। स्टूडेंट्स को जो मसला होता है वो कमेंट सेशन में पूछ लेते होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको कोई मसला बनता है तो आप लोग भी जो है ना विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे जो है ना वो बार बार पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो है ना दरअसल एक समझ का नाम है, और समझ हमेशा आपको तभी समझ आती है जब आप उसको टाइम देते हैं, जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना वो देखते हैं हमसे वो क्या कह रहा है, अब उसमें हमने क्या करना है और किस तरह से उसको जो है ना वो हल करना है, तो वो ज़रा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये दो नंबर का सवाल जो है ना आपको पेपर के अंदर आता होता है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बताता रहता होता हूँ कि कौन कौन सा सवाल जो है ना वो पेपर के अंदर आने वाला है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आपने मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। कि अगर आपके पास इफ़ टू वन थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू माइनस वन माइनस का टू। अब स्टूडेंट्स ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन बच्चे जो है ना अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अक्सर किसमें किस तरह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको मतलब कि एक बेसिक ही नहीं पता होती कि वो किस तरह से इसको जो है ना वो मैनेज करेंगे, किस तरह से इसको जो है ना वो कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई मैंने आपको मैथमेटिक्स का एक रूल समझाया हुआ है कि जब भी किसी भी जो है ना वो आपसे वो जब भी कहता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी जेड, कुछ भी कहता है, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करता है, तो उसमें आपने ये देखना है कि वेरिएबल के साथ जो भी कीमत है, चाहे वो ज़रब हो रही है, तकसीम हो रही है, स्केयर रूट है, स्केयर है, माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, नथिंग एल्स कुछ भी हो रहा है, आपने उसके साथ कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं रहने देनी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मेथड यही होगा, ठीक है। आपने चूँकि मालूम करनी है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या हो रहा है,
प्लस हो रहा है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सिंपल, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मरतबा जो है ना वो क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। 1, 2, 3 माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, तो आप इसको उठा के तो ले जाना आपने, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 3 और माइनस का 3। ठीक है, अब इनको आप लोग क्या कर लोगे जी, माइनस कर लोगे। ठीक है, अब 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं माइनस करने का तरीका आपको दोबारा बता दूं कि पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे नंबर में तीसरा और चौथे नंबर में चौथा जो है ना वो आपने क्या करना है जी, माइनस करना है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 4 और 1। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हमसे क्या कहता है कि आपके पास अगर a बराबर हो, a वाला मैट्रिक्स आपके पास बराबर हो 0 1 2 माइनस 3 के, तो देन आपने जो है ना वो आगे क्या मालूम करना है जी, a मल्टीप्लाई बाय b, जिसमें उसने b वाला मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलें जी हल करते हैं इसको और देखते हैं क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, जिसमें वो कहता है कि अगर a आपके पास बराबर हो 0 1 2 माइनस 3 और b इज इक्वल टू आपके पास माइनस 3 4 5 और माइनस का 2 आपके पास है। ठीक है, तो देन प्रूव डैट, आपने ये साबित करना है कि a को अगर b के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वह बराबर नहीं आता b ज़रब a के। ठीक है, मतलब ज़्यादातर वो सवालों में आपसे स्टूडेंट्स यही कहता होता है कि आपने जो है ना वो साबित करना है कि a ज़रा b बराबर है b ज़रा a के। यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि आपने जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए जी हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या जी, a ज़रब b, ये आपने जो है ना वो मालूम करना है। अब a वाला मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर बराबर है 0 1 2 माइनस का 3। ठीक है, और b वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स वो है हमारे पास माइनस 3 4 5 और माइनस का 2। ठीक है, हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, यानी सॉरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग इनको कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है ना इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का सेम मेथड आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ठीक है, अब मैं दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर बेटे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे कि 0 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 5 के साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 को माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6, माइनस 3 को माइनस 5 प्लस 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, माइनस 2 में से 0 निकालें तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 21,
और 8+6 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 14। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास क्या है, ए ज़रब बी। ठीक है, अब आपने जो मालूम करनी है वैल्यू, आपने मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाई ए, यानी राइट हैंड साइड जो है ना वो आपने यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है ना वो आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। उसमें आपने सबसे पहले बी वाला कॉलम इधर लिखना है, तो बी वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या है जी, -3, -4, -5 और -2। ठीक है, और ए वाला मैट्रिक्स फिर आपके पास है 0, 1, 2 और -3। ठीक है, हमने करना है इनको मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखें जी, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -3, -4, -5, -2 और ए वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो 0, 1, 2 और -3। ठीक है, हम लोगों ने चूंकि इनको मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से इनके दरमियान कोई भी जो साइन है वो रहने नहीं देंगे। ठीक है, वो ऐसे के ऐसे जो है ना हम लोग क्या कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर आपने आगे जो है ना वो दूसरे कॉलम के साथ पहली रो को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -3 × 0 + 4 × 2। ठीक है, -3 × 1 + 4 × -3, 5 × 0 + 2 × -2 × 2, फिर 5 × 1 + -2 × -3। ठीक है, मैं दोबारा से एक मरतबा रिवाइज़ कर दूँ तरीके को कि मैंने क्या किया बेटे, पहले पहली रो को मैंने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह से मैंने क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और फिर जो है ना मैंने क्या किया, दूसरे कॉलम के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इनको पार्शली जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 को 1 के साथ करेंगे तो -3 और 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, 5 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा और -2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें +2 के साथ तो हमारे पास -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इनको जो है ना वो प्लस कर लेते हैं, 0 + 8 इज़ इक्वल टू 0, -12 - 3 इज़ इक्वल टू -15, -4 - 0 इज़ इक्वल टू -4 और 5 + 6 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर देख सकते हैं और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये स्टूडेंट सिर्फ आपको उन्होंने जो है ना वो गाइड करने के लिए कि हम लोग अगर, तो बराबर वाले सवाल तो हमने बार बार किए कि अगर बराबर वाला जो बराबर नहीं भी आ जाए तो फिर हमने उसको कैसे हल करना है या उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, तो सेम यहाँ पर मेथड आपको उन्होंने जो है ना वो सिखाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए ज़रब बी बराबर नहीं है बी ज़रब ए के। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का बेटे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसको हल करेंगे और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो क्या कह रहा है हमसे कि हमने मालूम करना है ए ज़रब बी। ठीक है, ए ज़रब बी हमने जो है ना वो मालूम करना है। अब ए ज़रब बी मालूम करने का तरीक़ाकार जो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग पहले भी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ए मल्टीप्लाई बाई बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हम लोग मालूम करेंगे ए ज़रब बी। ठीक है, तो ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 3, 2, 1, -1 और बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 2, 4, -3, -5। ठीक है, अब हम लोग इनको कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई 3, 2, 1, -1 इंटू 2, 4, -3, -5। ठीक है, इनको हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, यानी 3 × 2 + 2 × -3, 3 × 4 + 2 × -5, 1 × 2 + -1 × -3, 1 × 4 + -1 × -5।
अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, अब 3 2 का हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 को हम लोग जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 3 के साथ करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 3 था 3 हो जाएगा, 3 4 का हमारे पास 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 5 का 10 हो जाएगा, 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 5 के साथ करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अब हम लोग इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 आपस में कट जाएगा तो इधर रह जाएगा 0, 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 जमा 3 हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 के, और 4 जमा 5 हमारे पास बराबर होता है जी 9 के। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया a ज़रब b, हमने मालूम करना है a ज़रब b का होल ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या करेंगे a ज़रब b का होल ट्रांसपोज जो है ना वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोज के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जो ये गैर बतरी अरकान होते हैं इनकी हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर, और जो बाकी अरकान होते हैं ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स इसकी इस सवाल की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोग मालूम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर वो हमसे क्या कहता है कि हमने क्या मालूम करना है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। अब हमने ये वाली मालूम करनी है, सबसे पहले तो हम लोग बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, और बी वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 2 4 -3 और -5। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसपोज मालूम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पर इनके जगह चेंज कर देते हैं, 4 इधर आ जाएगा और -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब हम लोग मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, और ए वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास वो है 3 2 1 -1। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये वाले जो अरकान है इनको क्या कर देंगे, इनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे गैर बतरी अरकान की। ठीक है, यानी 3 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, -1 जो है वो वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब आपने जो ओवरऑल मालूम करनी थी कीमत वो मालूम करनी थी बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ये आपने मालूम करना था। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले तो जो है ना वो बी ट्रांसपोज की कीमत लिखेंगे, वो कीमत क्या लिखेंगे, 2 -3 4 और -5। ठीक है, और ए ट्रांसपोज की जो कीमत आप लोग लिखेंगे वो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 1 2 और -1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको आप लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो चूँकि मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है कि जब हम लोग दो मैट्रिक्स को जो है ना वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई भी निशान बाकी नहीं रहता, ना हम लोग वेरिएबल रहने देते हैं ना हम लोग अलामत रहने देते हैं। ठीक है, मतलब दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं आप रहने देनी। अब इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, 2 -3 +-3 (-1), 4 (-5) (-2), 4 (-5) (-1). ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं, 2 3 10 6 हो जाएगा, और -3 को 2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, 4 3 10 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर आ जाएगा आपके पास 3 3 1 3, और 4 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ना वो आगे हल कर लेते हैं, तो अब ये जो है ना स्टूडेंट्स क्या होगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 आपस में कट जाएगा तो इधर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। ठीक है, 2 + 3 = आपके पास आ जाएगा 5, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 4 + 5 = हमारे पास आ जाएगा 9। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो टैली कर सकते हैं, दोनों जो है वो क्या आए हैं, बराबर आए हैं। सो एंड पे आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना वो पार्ट नंबर 1 को क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो इसको हमने किस तरह से जो है ना वो हल करना है। ठीक है,
अब आप लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, पार्ट नंबर टू को, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू है वो सेम यही रहेगी, ठीक है, वो नहीं चेंज होगी, वो आपने जो है ना एक मरतबा लिख लिया नहीं यार, वो वही रहेगी, बार बार तब्दील नहीं होगी, ठीक है। तो वो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसमें कोई मसला हो तो फिर भी आप लोग मुझसे जो है ना वो दोबारा जो है ना वो कमेंट सेशन में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दोबारा से एक मरतबा ए बी की वैल्यू। वो क्या कहता है जी, अगर ए वाला मैट्रिक्स आपके पास बराबर हो 3, 2, 1 और -1 के, और बी वाला मैट्रिक्स आपके पास बराबर हो 2, 4, -3 और -5 के, तो देन वेरीफाई, देन आपने जो है ना वो साबित करना है। क्या साबित करना है जी, दूसरा पार्ट हमने हल करना है इसके अंदर, वो क्या है जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा दूंगा तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लगाऊंगा फिर भी ठीक है, ठीक है, दोनों आंसर कोई मसला नहीं है, ठीक है। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये आपको समझाया था इस चीज़ का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ना वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो मालूम करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि ए ज़रा बी का होल इनवर्स हमने जो है ना वो मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ए ज़रा बी मालूम कर लेंगे, तो जो ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, 2, 1, -1, और जो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 2, 4, -3 और -5, ठीक है। हम लोग इनको करते हैं स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल हम लोग बार बार हर वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। यकीनन ये इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिवाइज़ की गई है वो मल्टीप्लिकेशन रिवाइज़ की गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 2 + 2 × -3, 3 × 4 + 2 × -5, ठीक है। फिर 1 × 2 + -1 × -3, 1 × 4 + -1 × -5, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ यानी -3 के साथ तो -6 आ जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे, जब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, और 2 को -5 के साथ करेंगे तो -10 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -+ हो जाएगा, और 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, -+, 1 को 5 के साथ करेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 के बराबर, ठीक है, और 4 + 5 हमारे पास बराबर आ जाएगा 9 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब हमने जो ओवरऑल कीमत मालूम करनी है वो हमने जो मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल इनवर्स, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल इनवर्स जो है ना हमने ये वाली वैल्यू जो है ना मालूम करनी है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल इनवर्स हमारे पास बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास जो है ना इसका ओवरऑल जो है ना वो फार्मूला होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो इसका जो है ना वो ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए बी हमारे पास बराबर है यहाँ पर 0, 2, 5 और 9 के, ठीक है, हमने मालूम करना है यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट, तो बिल्कुल सीधे लाइनें लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2, 0, 2, 5, 9, ठीक है, और इनको कर देंगे हम लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर देते हैं। तो क्या होगा, 0 × 0 × 9, दरमियान में माइनस का निशान आ जाएगा, 2 × 5, ठीक है। 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। -10 में से 0 निकालेंगे तो -10 ही आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स -10 के, ठीक है। अब आप लोग मालूम कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो ए बी आपके पास बराबर है यहाँ पर 0, 2, 5 और 9 के, ठीक है,
आपने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट के अंदर आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपके पास ये गैर बकरी अरकान होती हैं इनकी आप लोग क्या करते हैं जी साइन चेंज कर देते हैं, और जो आपके पास ये वाले साइन होते हैं ठीक है, यानी जो हमारे पास ये बतरी अरकान होते हैं इनकी क्या करते हैं अलामतें चेंज कर देते हैं। अब ज़ीरो के साथ कोई भी अलामत नहीं आएगी, ज़ीरो ही आ जाएगा। नाइन प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और इनके क्या हो जाएंगे जी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी टू नीचे आ जाएगा और फाइव ऊपर चला जाएगा ठीक है। अब उसके बाद जब हमने दोनों कीमतें मालूम कर लेनी है तो देन हमने क्या करना स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला पुट करना। फार्मूला हमारे पास क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ठीक है, वो हमने जो है ना फार्मूला पुट कर देना है। अब फार्मूले के अंदर हम लोग कीमतें लगाते हैं और इसको मज़ीद हल करते हैं ठीक है। अच्छा जी, अब एडजॉइंट ए बी की कीमत हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरो फाइव टू और माइनस का नाइन ठीक है, और इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की कीमत हमारे पास माइनस टेन आई है ठीक है। तो हम लोग इसको डिवीजन की दूसरी फार्म में लिख लेते हैं ठीक है, यानी वन ओवर टेन की फार्म में, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको क्या करते हैं जी, अब हम लोग इनको जो है ना आगे डिवाइड कर देते हैं ठीक है। ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस टेन, फाइव डिवाइडेड बाई माइनस टेन, टू डिवाइडेड बाई माइनस टेन और माइनस नाइन डिवाइडेड बाई माइनस टेन ठीक है, ये हमने जो है ना वो इनको डिवाइड कर दिया। अब जो कटती हैं उनको काट देंगे, जो नहीं कटती उनको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ज़ीरो को माइनस टेन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, फाइव वन दा फाइव और फाइव टू दा टेन हो जाएगा, यानी माइनस वन ओवर टू हो जाएगा। ये टू वन दा टू और टू फाइव दा टेन हो जाएगा, यानी माइनस वन ओवर फाइव हो जाएगा। ये इधर नहीं कटता तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो सिर्फ नाइन ओवर टेन आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो कीमत आ जाएगी, किसकी कीमत आ जाएगी, ए बी का होल इनवर्स जो है ना वो, ये उसकी कीमत आ जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होगी होगी ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आप इस मेथड को जो है ना वो ओवरऑल अच्छी तरह से जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया ठीक है। अभी भी मैं यकीनन आपको तफसील के साथ ही समझा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। बट फिर भी अगर आपको कोई मसला बनता है, जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स है, यकीनन कोई ना कोई मसला बनता ही है, तो आप लोग मुझसे जो है ना वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना आगे हल करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास ज़रा थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हम लोग जो है ना हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो रेस करनी पड़ेगी, सिर्फ हम इसका आंसर आने देंगे ठीक है। तो चलें जिसको रेस कर देते हैं हम लोग, और रेस करते वक्त तक जो है ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी ठीक है। बाज़ बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बुक एक्सरसाइज को हल कर लेते हैं ठीक है, और वो मुकम्मल जो है ना वो हल नहीं करते, यानी रिव्यू एक्सरसाइज को हल नहीं करते हैं। तो ये याद रखें, अगर आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज को हल नहीं करते तो आपके कभी भी पूरे मार्क्स जो हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि आपका बहुत सा पेपर का हिस्सा जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है ठीक है, ये याद रखना है आपने स्टूडेंट्स। अब हम लोग हल करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड को ठीक है, और राइट हैंड साइड आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, वो आपके पास है जी बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये आपने जो है ना मालूम करनी है। सबसे पहले तो आप लोग बी इनवर्स मालूम करोगे, फिर ए इनवर्स मालूम करोगे, जो आंसर आएगा उनको आप लोग क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अब बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है टू फोर माइनस थ्री माइनस का फाइव ठीक है। बी इनवर्स आपने मालूम करना है तो बी इनवर्स का यहाँ पर कुलिया लिख लो जी, बी इनवर्स आपके पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हमने जो है ना उसका कुलिया लिख लिया ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। आपको पता है कि जिस भी वेरिएबल का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है हम लोग क्या करते हैं उसके गिर्द बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देते हैं ठीक है, फिर इनको हम लोग कर लेते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ना वो कर लेते हैं, ये टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव ठीक है, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस का थ्री, टू को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टेन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर थ्री दा ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ट्वेल्व में से टेन निकाल देंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा, यानी कि बी का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर टू ठीक है। अब हम लोग मालूम कर लेते हैं जी एडजॉइंट, तो बी वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है टू फोर माइनस थ्री माइनस का फाइव ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसको क्या करते हैं जी एडजॉइंट ऑफ बी हमने मालूम करना है, तो एडजॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
जो हमारे पास यहाँ पर ये जो वत्रीय कान होते हैं इनके हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो गैर वत्रीय कान होते हैं, जो मैं ब्लू मार्कर के साथ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये गैर वत्रीय कान है, तो इनके हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 5 जो है वो माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 जो है वो 4 जो है वो माइनस 3 की जगह पर चला जाएगा, और जो माइनस 3 है वो 4 की जगह पर चला जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूले के अंदर जो है वो कीमत लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फार्मूले को एक मरतबा रिवाइज कर लूँ कि बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू वो है -2, -3, 4 और 5, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू मेरे पास है वो है 2, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, -2, -3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास किसकी कीमत आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी इनवर्स की, ठीक है। किसकी कीमत आ जाएगी, बी इनवर्स की, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद हल नहीं कर रहा हूँ, यानी आगे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। पिछले सवालों के अंदर मैंने इसकी वजह भी बताई थी, मैं दोबारा से एक मरतबा इसकी वजह बताता चलूँ कि वो क्या वजह, मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ ना, तो जब दोनों मैट्रिक्स को आपस में ज़रब दूंगा ना, मल्टीप्लाई करूँगा, तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इजी के लिए, आपकी आसानी के लिए जो है ना, इसको मज़ीद हल नहीं कर रहा हूँ, इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। आपने भी काइंडली इसको यहाँ तक रखना है, फिर आगे इसको जो है ना वो आगे आपने हल करना है। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर मालूम करना है जी ए इनवर्स, ठीक है। अब आपने मालूम करना है ए इनवर्स, इसका भी हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए इनवर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स किसके बराबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3, 2, 1, -1, ठीक है। हमने सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है ना, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका जो है ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपने जिसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है उसको क्या करना, आपस में उसकी लाइनों को बिल्कुल सीधा कर देना, ठीक है। और फिर इनको कर देना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कर देना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, -, -, तो माइनस का 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास बराबर आ जाएगा जी -5 के, ठीक है। अब हम लोग जो है ना आगे इसको हल करते हैं, ठीक है, आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। मैं इसका जो है ना आंसर एक साइड पे लिख लूँ, यहाँ पर 0, -1/2, -1/5 और 9/10, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना वो आंसर एक साइड पे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा जी, अब आगे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लूँगा, ठीक है। अब ए वाला जो मैट्रिक्स मेरे पास है वो है जी 3, 2, 1 और -1, ठीक है। अब एडजॉइंट किस तरह से मालूम करूँगा स्टूडेंट्स, हम लोग एक चीज़ को बार बार डिस्कस करते हैं, वो क्या चीज़ कि हमने क्या करना है एडजॉइंट के अंदर, कि हमने ये गैर वत्रीय कान है, इनकी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना वो साइन चेंज कर देंगे जो, और हमारे पास ये गैर वत्रीय कान है ये वाले, ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके हम लोग क्या करेंगे जी जो है ना वो रिप्लेसमेंट कर देंगे। ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये -1 का है तो यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 जो है वो 1 की जगह पर आ जाएगा और 1 जो है वो 2 की जगह पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम लोग जो है ना फार्मूला पुट करते हैं, क्या फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है वो देखें, यहाँ पर मैंने ऊपर पुट की हुई है -3, 1, 2 एंड 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत हमारे पास कितनी आई है जी -5, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना इसको हल कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा -1/5, -3, 1, 2, 1, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। अब जो हमने ओवरऑल वैल्यू मालूम करनी थी वो हमने मालूम करनी थी स्टूडेंट्स यहाँ पर, किसकी वैल्यू मालूम करनी थी हमने, कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, हमने ये वाली वैल्यू जो है वो मालूम करनी थी, ठीक है। अब हम दोनों वैल्यूज को लिखते हैं और आगे इसको हल करना शुरू करते हैं, ठीक है, चलें जी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी, आई थी 1/2 × -2, 4, -3 और 5, ठीक है।
और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाली कीमत माइनस वन ओवर फाइव इंटू माइनस थ्री वन टू एंड वन, ये हमारे पास जो है ना वो दोनों की वैल्यूज़ जो है हमने पुट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास ये बार्स वाली कीमतें इनको हम लोग लहदा कर लेंगे और बाकी दोनों मैट्रिक्सेस को जो है ना वो आपस में मर्ज करके जो है ना वो मर्ज करके नहीं सॉरी इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, यानी इनके दरमियान कोई भी साइन या कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम लोग इनको हल करते हैं, वन को वन के साथ करेंगे तो वन आ जाएगा, टू को माइनस फाइव के साथ करेंगे तो माइनस का टेन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इनको जो है ना आगे हल करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख लूँ, यहाँ पर ज़ीरो माइनस वन ओवर टू माइनस वन ओवर फाइव और नाइन ओवर टेन, ठीक है। दरअसल बाज सवाल जो है ना थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है, तो वो उनको बार बार जो है ना वो आगे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कभी सर उधर लिख रहे हैं तो कभी इधर, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना, जस्ट आपने जो है ना वो क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना है। अब हमने क्या करना है जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है। इसी तरह से बेटे माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई टू, फोर मल्टीप्लाई बाई वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई वन, ठीक है। माइनस वन ओवर टेन, ये क्या हो जाएगा जी माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा आपके पास ये सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू थ्री दस सिक्स हो जाएगा और थ्री टू दस सिक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिक्स। माइनस टू को वन के साथ करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा और माइनस थ्री को वन के साथ करेंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा। फोर को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व और फाइव को टू के साथ करेंगे तो टेन आ जाएगा। फोर को वन के साथ करेंगे तो वन आ जाएगा, फोर आ जाएगा और फाइव को वन के साथ करेंगे तो हमारे पास नाइन आ जाए जो है ना वो आ जाएगा फाइव, ठीक है। माइनस वन ओवर टेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इनको आप लोग जो है ना वो हल कर लो, ये माइनस का सिक्स और ये प्लस का सिक्स जो है ना वो आपको कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जमा का और एक माइनस का कट गया आपस में ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, टू और थ्री माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ट्वेल्व में से प्लस का टेन निकालेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा। फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, ठीक है। अब एट द एंड आप लोग क्या करेंगे, हर वैल्यू को जो है वो 10 के ऊपर माइनस 10 के ऊपर जो है वो क्या कर देंगे जी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे जी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि ये जीरो को माइनस नाइन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो इधर फाइव वन द फाइव, फाइव टू द टेन हो जाएगा, ये वन ओवर टू हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इधर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी फाइव, ये और इधर आ जाएगा वन, ठीक है। तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास क्या जी वन ओवर फाइव, ठीक है। और ये नहीं कटता आपस में तो ये नाइन ओवर फाइव जो है वो नाइन ओवर टेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरऑल जो कीमत है आप लोग यहाँ पर टैली कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि हमने क्या किया है और क्या उसका जो है ना वो मैथड, क्या उसका तरीका है कार था, हमने ओवरऑल देखा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टैली कर सकते हैं कि दोनों के जो आंसर आए हैं वो क्या आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है। तो ऐट द एंड आप लोग क्या लिख देंगे जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर जो टू था वो जो है ना वो कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर वन की जो रिव्यू एक्सरसाइज थी, जिसकी मैंने वीडियो तकरीबन वन आवर की बनाई, पूरी की पूरी मैंने वीडियो पूरे के पूरे सवालात मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो के अंदर जो है ना मैं कवर करूं। उसको कवर करने के पीछे सिर्फ स्टूडेंट यही रीज़न थी कि आपको परेशानी ना उठानी पड़े कि एक सवाल एक वीडियो पे, दूसरा सवाल दूसरी वीडियो पे, तीसरा सवाल तीसरी वीडियो पे। मैं आप सबका जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो पसंद आ रही हैं तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोग वाकई ही मैथमेटिक्स जो है ना वो सीखना चाहते हैं और मैथमेटिक्स से परेशान हैं तो देन एक चीज़ याद रखें कि आप लोग जो है ना वो onlineteacher.com के ऊपर जो है ना वो आप लोग अपने मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।